तो भाई लोग कैसे हो? तो यार वेलकम दी बैक, बैक दी वेलकम, और स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू पबजी दो मोबाइल गेम प्ले वीडियो में, जिसे देख के आप बोलोगे भैया ये बंदा इतना ढीठ क्यों है। मतलब ढीठता की सारी सीमाएं पार करके तुम्हारा भाई नीले जोन से पंगे ले रहा होता है ना। और यार ज्यादातर टाइम नीले जोन से पंगा लेते हो तो दिक्कत भी हो जाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि मैं फंस रखा था इसलिए जोन के बाहर था, नहीं यार, जानबूझ के पंगे लिए जाएंगे, लेकिन यार वो थोड़ा बाद में होगा। फिलहाल तो यार जोर जा रखे हैं और उतरते ही पिस्तौल मिली है तुम्हारे भाई को। और यार वो तो किस्मत बढ़िया थी, इस बंदे को कोई गन नहीं मिली, क्योंकि यार पिस्तौल वर्सेस M4 M4 होता तो गलत सीन होते। और मुझे AK-MUKMB मिल गई होती है ना, लेकिन यार मैंने सोचा पिस्तौल से नो किया है तो क्यों ना पेटी भी उसी से बनाई जाए। खैर मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ और वीडियो के एंड में एक बहुत ही जहरीला, ठीक है, 1v3 है, जिसमें तुम्हारा भाई M24 और शॉटगन चलाता है। और यार शॉटगन में ना भाई सिर्फ दो गोली पड़ी होती है, तो हाँ यार वो क्लिप भी जहर है, देखना जरूर। खैर यहाँ पे मैं लूट लाट लेता हूँ ना, हीलिंग पड़ी है ये उठाता हूँ और आगे की तरफ बढ़ रहा होता हूँ, और उतने में ही राइट से कोई गोली पेलता है। अब यार यहाँ पे मैं बहाना क्या दूँ, ठीक है, मैंने स्कोप खोला, भाई हमारे टीममेट हमसे आगे भाग गए और सर दिख रहा है उनका, ठीक है, गोली तो मेरी एक भी नहीं लगी मेरे ख्याल से। उसके बाद मैंने बोला कोई नहीं यार, अब कवर पे वापस आता हूँ, दिक्कत किधर आ रही है। जब कवर स्कोप खोल के बंद करता हूँ स्कोप, पता चलता है यार मैं काफी आगे निकल चुका हूँ और यहीं पर अटक जाता हूँ मैं। और मुझे नोक नोक करके बंदा कंटेनर में चढ़ता है, ठीक है, पता नहीं कौन से लेवल का फ्लैंक मार रहे होते हैं भाई, और उसके बाद लेट जाते हैं। मतलब बिल्कुल ही मजाक टैप बना दिया भाई ने, है ना, नोक करो और ऊपर जाके लेट जाओ। खैर हेड हुड पे पड़ जाती है गोलियां और भाई नोक हो चुके हैं। और देखो बंदा नोक हुआ है तो यार रिवाइव देने कोई ना कोई तो आया होगा। अब यार या तो मुझे ही ऐसा लगता है या तो फिर ये गेम ना दिन ब दिन खराब करते जा रहे पबजी वाले, ठीक है, अंट संट अपडेट डालेंगे, कुछ भी पेल देंगे और गेम की ऐसी तैसी करेंगे। मतलब देखो वहां उस बंदे की पेटी बना दी, मुझे क्या दिख रहा है, बंदा खड़ा हुआ दिख रहा है। सोचो मतलब वो तो कई बार हो चुके हैं मेरे साथ ये सीन, नहीं तो भाई मैं गोली चलाता रहता और डर फटके चार हो जाती है यार, ऐसे कोई अचानक से खड़ा हो जाए, फट जाती है बिल्कुल ही। और ऊपर से एक नई चीज आई है कि यार आप गोली मार दो, ठीक है, गोली मार दो, डैमेज दे दो, उसके ठीक 1 सेकेंड बाद आपको दिखाया जाएगा कि बंदा नॉक हो गया। क्या ही बोलूं यार, और यार कवर पे जाके नॉक होना पूछो मत, आपके साथ भी डेली होता होगा। तो हाँ यार मुझे कमेंट में जरूर बताना कि या तो मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है कि यार गेम भी अजीब सा ही चल रहा है, अटक अटक के चल रहा है, बंदे भी ठिल रहे हैं कभी नहीं ठिल रहे हैं, या मेरे साथ ही हो रहा है ऐसा या आपके साथ भी हो रहा है, बताना कमेंट करके जरूर। ना अब देखो जहां तक मुझे याद है गेम खेलते टाइम मैं नशे करके नहीं बैठा था बिल्कुल भी, है ना, लेकिन यार जब ये रिकॉर्डिंग देख रहा हूं मुझे लग नहीं रहा ये बात सही है। मतलब देखो क्या करता हूं, नशीली पीक बिल्कुल ही, कवर से बाहर गया, राइट पीक करने की जगह पूरा ऊपर में जाके लेफ्ट पीक कर रहा हूं। तो हाँ यार अगर यहां पे मैं बोलूंगा भी कि भैया नहीं हम नशे में नहीं थे तो कौन मेरी बात का विश्वास करेगा। खैर वो सब छोड़ो, यहां पे बस 5 ही बंदे आए होते हैं, या और आए भी होंगे तो उन्होंने आपस में पेटियां बनवा ली। भाई नया सीजन जब से आया भाई एक भी बार, मैं सही बता रहा हूं, एक बार मुझे ढंग से बंदे नहीं मिले हॉट ड्रॉप में। एक टाइम था यार पिछले सीजन भैया 15 किल हॉट ड्रॉप पे उतरते ही, अब यार बंदे दूर दूर नहीं दिखते। खैर यहां पीछे फ्लैट चली होती है तो यहां देखने आता हूं मैं कि यार सीन क्या चल रहा है, मैं खुश हो जाता हूं, मैं बोलता हूं भैया यहां पे तो बंदे दबा के मिलेंगे तुम्हारे भाई को, लेकिन देखो यार असली सीन क्या होता है देखो आप। अब देखो मेरे पे चौड़ में फायरिंग की जाती है और फ्लेयर भी पूरे चौड़ में चलाई गई है ना, तो मैं सोचता हूँ ठीक है यार बढ़िया, 4 बंदे बैठे पड़े होंगे यहाँ पे और मैं अपनी जन्मों जन्मों की किल यहीं पे निकाल लूंगा, है ना, खुश मैं बहुत हो जाता हूँ, चौड़ में आ जाता हूँ पूरे पेलने के लिए। और उसके बाद ये होता है यार देखो आप,
हाँ, एक ही बंदा बैठा होता है, सिर्फ और सिर्फ एक बंदा सोलो स्क्वाड खेल रहा है भाई। और यार ये चीज मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूं कि क्यों करते हैं कुछ लोग ऐसा। ठीक है, पहले भाई ने फ्लेयर चलाई, देखो फ्लेयर चलाते हो बंदे आते हैं 100%। ठीक है, भले ही आप पे अंधा रस ना करें लेकिन यार देखने जरूर आते हैं। जैसे भैया वो बुलडोजर चलता है ना भाई, वो जेसीबी की खुदाई, वहां पे हर कोई पहुंचा होता है देखने के लिए। ठीक है, एक टाइम के लिए आप भी रुक के देखोगे। तो वही सीन होता है फ्लेयर का भाई, बंदे आते जरूर हैं। तो इस बंदे को पता होगा कि यार बंदे आएंगे जरूर, मेरे जैसे ढीठ बंदे बैठे हैं लॉबी में। भाई ने फिर भी फ्लेयर चलाई, चलो वो भी ठीक है यार, जब भगना ही था तो फायरिंग ही क्यों की, फायरिंग ही मत करते यार, कैंप करते या निकल जाते चुपचाप से, ड्रॉप हम लूट लेते। भाई ने फायरिंग की, भाई ने फ्लेयर चलाई, उसके बाद भागने की कोशिश। यार ये तो अलग लेवल के गलत सीन है भाई, क्यों लोग इतना सस्ता नशा करके क्यों खेलते हैं कोई कोई। खैर मुझे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि यार मैं वही हूँ जो अभी उल्टा पुल्टा पीक कर रहा था, तो वो सब हटाओ। खैर मैं आगे जा रहा हूँ और आपको AUG के बारे में पता चलेगा कि क्यों मैं ज्यादातर नहीं उठाता उस गन को। हाँ इस बार उठा लिए तो गलत सीन जरूर होंगे, लेकिन उससे पहले धड़ पैड़ बात कर लेते हैं हमारे स्पॉन्सर की। तो यार इस ऐप या फिर वेबसाइट का नाम है 1xBet, जो कि एक बहुत बड़ी बेटिंग वेबसाइट है जिसकी मदद से आप कई सारे स्पोर्ट्स जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कद्दू बॉल सब पे बैट लगा सकते हो और अपनी प्रिडिक्शन स्किल्स के थ्रू पैसे अर्न कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें आपको फर्स्ट डिपॉजिट में बोनस मिलेगा अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ करते हो, जो कि कमेंट सेक्शन में दिया गया होगा। तो हाँ यार, अगर आपको इस सब चीज़ का शौक है तो आप इस ऐप को ट्राई कर सकते हो, इसकी लिंक कमेंट सेक्शन में होगी बिल्कुल ही टॉप में। बस याद रखना यार, इस सब चीज़ में रिसक रुसक होता है, तो भैया जो भी करोगे सोच समझ के करना। खैर उसी के साथ मैं पोचन के आ गया हूं, तुम्हारे भाई पे है AUG पड़ी हुई है ना, और यहां पे दो सुकोड़ फुल पावर लड़ रही है पूरी जान लगा के, सारी गोलियां लुटा के। अब यहां पे मैंने दो बंदों पे फायरिंग दी है और एक भी नॉक नहीं हुआ है। और इस टाइम पे ना मैं बहुत ही ज्यादा पछता रहा होता हूं। ठीक है, मेरे ख्याल से अगर मेरे पे M4 या AKM जैसी गन होती तो शायद शायद मैं एक आध किल ज्यादा ले लेता यहां पे। मतलब देखो M4 AKM इतनी चलाई है मैंने कि यार अब ना आधा टैप होगी है गोली रोकने की। मतलब यार एक टाइम पे आइडिया हो जाता है कि भैया इतनी गोली मारो और बंदा धड़ पे नॉक। ठीक है, लेकिन AUG पूछो मत यार, मैं ऐसे ही बहुत कम यूज करता हूँ क्योंकि देखो यार 1 घंटा तो इसका रिलोड पे लग जाता है ना, अगर आप पे वो एक्सटेंड क्विक ड्रॉ नहीं है। मतलब यार आप रिलोड करते रहोगे, बंदा आएगा आपको नॉक करके पेटी भी बना देगा यार, तब भी रिलोड पूरा नहीं होगा। और देखो M4 हम लोग ने इतनी ज्यादा चलाई है कि यार अब तो याद सा हो गया है कब क्या होता है। और यार रिलोड टाइम पूछो मत, इतने जल्दी रिलोड होती है M4, मजा टैप ही आ जाता है बिल्कुल। खैर उसके बाद मुझे ग्रोजा मिल जाती है तो मैं बोलता हूँ भैया AUG हटाओ, अपने बस का नहीं है AUG चलाना, फेंको AUG को साइड और ग्रोजा उठाओ। और यार आपको पता है ग्रोजा मजाक नहीं चल रहा है, हलवा नहीं है ग्रोजा। तो मैं ग्रोजा लेके इधर पे रस कर रहा होता हूँ क्योंकि यहाँ पे भी फ्लेयर गिरा होता है ना, और यार किस्मत से इस बार एक स्क्वाड से ज्यादा होती है यहाँ पे। और हाँ यहां पे शुरुआत हो चुका है गलती से हेडशॉट लगना। अब देखो यहां पे तुम्हारे भाई के कोई और भी गोली चला रहा है, मेरे ख्याल से AWM या M24 चला रहा है, जहां तक मुझे लगता है AWM चला रहा है। लेकिन मैं इतना डेट, मैंने बोला भैया कुछ भी हो देखो इसे भगते हुए हेडशॉट दिया है, इसकी पेटी बगैर बनाए मैं जाऊंगा नहीं, भले मेरी खुद की पेटी बन जाए तो मैं उसे फ्रीज करता हूं, भले मुझे गोली लगे चाहे कुछ भी लगे। और उसके बाद यहां से उस बंदे को देखेंगे जो मेरे पे AWM चला रहा था, है ना, क्या पता उसके भी चिपक जाए गलती से हेडशॉट। और यार किस्मत काफी तगड़ी चल रही होती है इस मैच में, तो हाँ हेडशॉट कई सारे लगने वाले हैं और मेरे भी लगेंगे कई सारे।
और देखो इन लोगों ने दो तीन फ्लैट ड्रॉप लूटे हैं, तो यार इन पे मजाक में रस नहीं कर सकते, है ना। ग्रोजा प्लस AWM होगी होगी पक्का 100%। लेकिन तुम्हारा भाई मानता नहीं है, तुम्हारा भाई ढीठता करके यहाँ छोटे घर पे आता है और नेट करने की कोशिश करता है, जिससे आपको भी पता है मेरे को भी पता है कुछ नहीं उखड़ने वाला। और यहाँ पे हमेशा की तरह कुछ भी नहीं उखड़ा, उससे बढ़िया यार मैं अंधा रस कर देता, कम से कम हील करने का मौका तो नहीं मिलता उस बंदे को। खैर जो भी हो, अब देखो यहाँ पे AWM की ताकत देखो आप, दूसरे बंदे के AWM की ताकत है ना, मेरी नहीं। अब देखो ये मैं ताकत ताकत क्यों चिल्ला रहा हूं, है ना। मजे की बात ये है उस बंदे ने हेडशॉट नहीं पेला और मेरी हेल्थ लगभग 90% थी। तो अगर आपकी 90% हेल्थ है, आप पे फुल बिल्कुल नया चमकीला लेवल 2 का वेस्ट भी पड़ा है, तो भी अगर आपको बॉडी शॉट लगता है तो यार आप धेड़ पैड नॉक होगे मेरी ही तरह, है ना। मतलब यार एक टाइम के लिए मैं चौंक गया था कि खतरनाक यार बहुत ही ज्यादा। मतलब देखो मेरे जैसे बंदों के लिए बहुत ही सही है AWM, जिनसे हेडशॉट नहीं लगते भैया, सीधा छाती छूती में पेल दो गोली और लग गया तो यार बंदा नॉक। खैर अब बदला लेने का टाइम है। हाँ वही है, उसने नॉक किया था। तो यहां पे धड़ पैड़ में दो बंदों के हेडशॉट पेलता हूं और अब अंधा रस करना है। और यहाँ पे सोचो अगर मेरे पे AUG होती और जैसे मैंने ग्रोजा को रिलोड पे पेल दिया था। हाँ भाई यहीं पे बजा लो हॉर्न। हाँ नहीं मैं माइक ला देता हूँ यार, माइक के मुंह के सामने रख दूंगा, माइक पेल के दब। भाई ये तो देख रहा है, डंडा पेलेगा यार, चुप हो जाता हूँ। तो आखिरकार वो गाड़ी वाला बंदा भग गया यहाँ से, तो मैं दोबारा से कर सकता हूँ अपनी सस्ती वॉइस ओवर। खैर आगे बंदे नॉक पड़े और पेटी बनाने की तैयारी चालू है। अब देखो यहाँ पे पहले मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता जोन पे, है ना। मुझे लगा यार अभी तो आया हूँ, अभी तो मजा चालू हुआ है, जोन कहाँ से आ गया अभी। तो ये जोन मेरे को काट के चल देता है ना भैया, डैमेज भी दबा के होगा क्योंकि देखो काफी छोटा हो जाएगा इसके बाद जोन। लेकिन तुम्हारे भाई के अंदर एक चीज भरी है कूट कूट के, और सिर्फ एक ही चीज भरी है, वो है ढीठता। ठीक है मैं इतना ढीठ हूं, मैं बोलता तो भैया भले मेरी पेटी बने, एक ना एक बंदे की पेटी तो बनानी है मुझे यहाँ पे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो देखो वो लोग गाड़ी के पीछे बैठे हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते। अगर वो गाड़ी पे बैठेंगे मैं सीधा सर पे हेडशॉट दूंगा, और यार इस बार गलती नहीं होगी क्योंकि सकूप यार सीधा गाड़ी के सीट पे खुलूंगा मैं। वैसे वो भी गलती सही लगते हैं मेरे, लेकिन हाँ बंदा नोक जरूर होगा। तो ये लोग भी फंसे पड़े और मैं बिल्कुल भी नहीं फंसा हूं, लेकिन जानबूझ के यहां पे रुकूंगा इनकी पेटी बनाने के लिए। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं अकेला बंदा हूं जो ढीठ हूं, है ना, वो लोग भी कम ढीठ नहीं है बिल्कुल। मतलब दो तीन बार मैं नॉक कर चुका हूं साइड के बंदों को, उसके बाद भी हर बार पीक कर रहे हैं यार, इस चीज के लिए जज्बा और चौड़ चाहिए होती है। तो देखो यहाँ पे मैंने फुल बूस्ट कर लिया क्योंकि मैं नहीं चाहता यार उनका गलती से हेडशॉट पड़े और मैं बिल्कुल ही ढिल जाऊं, खत्म टैप हो जाऊं, यार गलत सीन हो जाएंगे वैसे तो। और यहाँ पे बहते नीले जोन में हाथ धोने वो मिनी वाला बंदा भी आ जाता है। ठीक है कौन है, कहाँ से है, कौन से स्क्वाड का है यार, मेरे ख्याल से वो उसे खुद पता नहीं होगा, है ना। आता है वो भाई मिनी दबा दब चलाता है इन बंदों पे, तो उससे क्या होता है उनकी गाड़ी भी फटने लगती है और यार वो लोग पीछे भागते हैं। तो देखो मेरा मकसद यहाँ पे पूरा हो जाता है, मुझे बस एक की पेटी बनानी थी, लेकिन अभी लालच पूरी नहीं हुई है। एक लाख में लिया, रोड में आ रहा है। चल चल।
अब देखो एक लेफ्ट में भी बंदा होता है, लेकिन अगर मैं थोड़ा और रुकता ना, देखो पहले तो मैं रुक के ऊपर में स्नाइपिंग कर रहा हूँ, वो तो अच्छा हुआ लग गया गलती से शॉट, तो जब तक मैंने गोली चलाई उस बंदे ने मुझे देख लिया होगा। और यार देखो इस छोटे जोन में अगर एक भी फटका पड़ के मैं नॉक हो जाऊँ ना, तो यहाँ से बच के निकलना बिल्कुल नामुमकिन टाइप चीज़ें हो जाएंगी, जो कि मैं नहीं चाहता यार। क्योंकि देखो यहाँ पे गाड़ी रोक के तो हील करना पड़ रहा है, वहाँ पे स्नाइपिंग वर्सेस स्नाइपिंग करता तो गलत ही सीन होते, पेटी किसी की भी बन सकती थी। तो मैं बोलता हूँ भैया बूस्ट बूस्ट कर लो और धेड़ पैड़ जून की तरफ निकल लो। और तांबे पे सुहागा करने के लिए यार पेट्रोल भी खत्म हो रहा है हरा, तो देखो सिर्फ मैं जोन में जा सकता हूँ और जो भी पास घर होगा वहां पे मुझे रुक जाना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा इसमें घूमने निकलूंगा ना यार इस गाड़ी में, पेटी कभी भी बन सकती है। बिल्कुल रास्ते में जाके गाड़ी रुक जाएगी, लेकिन जो बंदे गोली चलाएंगे ना वो रोकेंगे नहीं गोली चलाना। तो यहाँ पे मैं घर का चक्कर लगाता हूँ, क्योंकि देखो बड़ी मुश्किल से वहां से ढीठता करने के बावजूद भी बच के निकला हूँ, और यहाँ पे अंधा ठोक दूंगा तो पेटी भी बन सकती है, इसलिए यहाँ पे कोई होता नहीं तो ठीक है यार। थोड़ी देर रुकते हैं, हीलिंग हुलिंग अच्छे से पोतते हैं दोबारा, और बग्गी आ जाती है तो यार अब रस करना पड़ेगा, क्योंकि देखो थोड़ी देर मैं क्या रुका घर पे, बंदे आपस में लड़ने लग गए है ना। मतलब यार जब मैं लड़ रहा होता हूँ सही है मेरी लड़ाई चल ही रही होती है, लेकिन जब मैं कहीं पे थोड़ी देर रुकता हूँ बंदे आपस में भिड़ जाते हैं, तो वहीं पे मैं बंदूक की तलाश में और गाड़ी की तलाश में आगे निकल पड़ता हूँ, देखना है कि यार गाड़ी है किधर। क्योंकि देखो मैं जहरीले सांप पे भरोसा कर दूंगा एक टाइम के लिए, लेकिन बग्गी भैया हमसे ना हो पाएगा। तो गाड़ी मुझे दिखती है, हमें रोड के बगल में गाड़ी पड़ी हुई दिखती है ना, डासिया होती है कतई महंगी, बिल्कुल नई नवेली। और देखो इस टाइम पे अगर आप ड्रॉप लूटने रुक रहे हो ना, तो अपने रिस्क में लूटना, क्योंकि इतना छोटा जोन है और हर कोई ड्रॉप को देख पा रहा होगा। खैर मैं गाड़ी लेने रुकता हूँ और बंदे तब भी हमें ही देख रहे होते हैं। और अब दूर से कोई स्प्रे दे रहा होता है हमारी गाड़ी पे है ना, लेकिन दिक्कत नहीं है यार, क्योंकि काफी आगे आ चुके हैं हम। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ इन लोग को हम जोन में आने नहीं देंगे, बिल्कुल यहीं पे बैठ के पकड़ लेंगे इनको। लेकिन मुझे क्या पता था कि यार मुझे पकड़ने के लिए कोई और यहाँ पे पहले से बैठा होता है। ऊपर आए तो और यार यहाँ पे बैठे हुए हैं बोलना गलत होगा, क्योंकि यार ये तो लेटे पड़े थे बिल्कुल ही है ना, और ऐसा भी नहीं कि एक ही बंदा होगा, नहीं यार दो दो बंदे लेटे पड़े थे। और यार तैयार हो जाओ, क्योंकि जिस चीज की कमी है गेम प्ले में वो पूरा होने वाला है। हाँ समोक मैच जस और इसी समुक में जस के साथ अपने स्क्रीन में चिकन चुकन लिखा जाता है ना। मतलब यार मैंने बोला अभी रस नहीं किया तो कभी नहीं कर पाएंगे, मेरे ख्याल से दोनों बंदों पे गिल्ली सूट था भाई, महंगी लूट बिल्कुल ही हरा। तो यार एक नॉक था, उसी टाइम रस कर दो चाहे एडजस्ट करना पड़े, क्योंकि अगर वो दोनों लेट जाते ना तो बहुत ही दिक्कत होती। और जहां तक मुझे अपनी किस्मत का पता है यार, जोन भी उन पे ही बनता और हम टिल जाते। तो बस भाई लोग यार आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जाते जाते वीडियो पे लाइक पेलना मत भूलना बिल्कुल यार, नीला टैप कर दो उसे पेल के यार, बनता यार इतने सारे गलती से हेडशॉट, वैसे सारे नहीं थे लेकिन हाँ गलती से हेडशॉट प्लस समूक में जस्ट एक लाइक जरूर पेल देना है ना, नीला टैप कर दो। और अगर आप यहां पे नए हो तो करो सब्सक्राइब, और भी ऐसे गलत सीन सस्ती कमेंट्री गलती से हेडशॉट और सांप का चक्कर मौत से टक्कर के लिए। और हाँ भाई लोग अगर आपको सब चीज़ का शौक है तो आप उस ऐप को ट्राई कर सकते हो, उसकी लिंक कमेंट सेक्शन में होगी बिल्कुल ही टॉप में। और यार इस चीज़ का मजा लो आप, मतलब तुम्हारे भाई पे सिर्फ M24 है और शॉटगन है जिसकी मैंने गोलियां नहीं उठाई तमीज से, और यार मजे लो यार इस क्लच का मजा लो बिल्कुल ही। कल मिलते हैं भाई लोग, यार बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, बाय बाय। ओ कहाँ है ये मार दिया है, मैं तो छोड़ दूँ।
ओहो,